तो सबसे पहले हमें तड़का पैन में डाल देना है 3 से 4 चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल दीजिए 1/3 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। इस अदरक लहसुन की पेस्ट को हमें अच्छा क्रंची होने देना है। तो आप देख सकते हो पेस्ट का जो कलर है वो अब बदल चुका है, और अब दिखने में ही क्रंची दिख रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैंने बहुत तीखा लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो लाल मिर्च पाउडर अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। इसमें हमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करना है, इसे मिला लीजिए। तो दोस्तों आप पानी की जगह टमाटो की प्यूरी भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मैगी मसाला, स्वाद अनुसार नमक, और इस पानी को जब तक कि 1 कप नहीं होता उतना एब्जॉर्ब करना है। नींबू का रस, तो मैंने आपको बोला है अगर आप टमाटो की प्यूरी ऐड करोगे तो नींबू का रस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मिला लीजिए। तो मैंने इसे 6 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। गैस की हीट को कर दीजिए बंद और इसे ठंडा होने दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मुरमुरा लिया है, ये नॉर्मल वाला मुरमुरा है। आप चाहे तो कोल्हापुरी मुरमुरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हमें डाल देना है 4 से 5 चम्मच बनाई हुई चटनी। आप आपके हिसाब से चटनी को ऐड कर सकते हो, इसे मिला लीजिए। मुझे चम्मच से इसे अच्छी तरह से मिलाना नहीं आ रहा है, इसलिए मैं हाथ से इसे मिलाती हूँ। तो मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। इसमें डाल देंगे बारीक सेव, 1 कप फरसान, 1 कटा हुआ प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर, कॉर्न्स ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो या स्किप कर सकते हो, कटा हुआ हरा प्याज, आपको बहुत सारा कटा हुआ हरा प्याज इसमें ऐड करना है, कटी हुई हरी धनिया, और इसे मिला लेना है। दोस्तों आप इस तरह से भेल बनाओगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, और मैंने इसे खुद ट्राई किया है और ये बिल्कुल ज़बरदस्त बनी थी। तो इसे सर्व करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।